రెడ్డిగా పార్లమెంట్ సమావేశాలు ప్రారంభమయ్యే ఇప్పుడు ఎలా చూద్దాం श्री प्रणब मुखर्जी के दुखद निकंदन के बारे में सूचित करना है। भारत रत्न श्री प्रणब मुखर्जी ने, जिन्हें हम आदर से प्रणब दाबी के नाम से संबोधित करते हैं, देश में वर्तमान युग के महानतम राजनेताओं में से एक थे। मात्र 24 वर्ष की अवस्था में उच्च सदन के सदस्य बने पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न प्रणब मुखर्जी सच्चे अर्थों में लोकतंत्र की मूल भावना के उपासक थे। वे एक प्रभावी वक्ता, कुशल प्रशासक और सफल राजनेता थे। संसदीय परंपराओं और इतिहास के संबंध में उनका ज्ञान और अनुभव अद्वितीय था। विभिन्न पदों पर रहते हुए राष्ट्र सेवा का उनका 5 दशकों से भी अधिक का अनुभव रहा। वे एक लोकप्रिय नेता थे जो अपनी बुद्धिमत्ता, विद्वता, राजनीतिक कौशल के साथ साथ एक उत्कृष्ट वक्ता के रूप में भी जाने जाते थे। प्रत्येक राजनीतिक दल में उनका सम्मान और आदर था। सदन में होने वाली बहसों को वे बहुत महत्व देते थे। संसद के केंद्रीय कक्ष में अपने विधायी भाषण के दौरान उन्होंने सभी पार्टियों के विशिष्ट वक्ताओं का नाम लेकर कहा था कि उनके भाषणों ने उनके व्यक्तित्व को गढ़ने का काम किया। उनका विचार था कि भारत का संविधान मात्र एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि देश के सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के लिए मैग्ना कार्ट के समान है। अपने लंबे राजनीतिक ज्वल में स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी ने देश के राजनीतिक घटनाक्रमों का अवलोकन ही नहीं किया, बल्कि उसमें सक्रिय भूमिका भी निभाई। कालांतर में अपने दीर्घ अनुभवों, विशद ज्ञान को उन्होंने पुस्तक के माध्यम से हमारे साथ साझा किया। ये पुस्तकें वर्तमान भारत के राजनीतिक और आर्थिक इतिहास के दस्तावेज हैं। लोकतंत्र, संविधान और राजनीति को लेकर साझा किए गए उनके विचार आने वाले समय में हमें मार्गदर्शन करेंगे। श्री प्रणब मुखर्जी का निधन नई दिल्ली में 31 अगस्त 2020 को 84 वर्ष की आयु में हुआ। माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को अपने साथी श्री एच बसंत कुमार और विख्यात गायक पंडित जसराज तथा 13 पूर्व संसद सदस्यों की दुखद मृत्यु के बारे में भी सूचित करना है। श्री एच बसंत कुमार तमिलनाडु के कन्याकुमारी संसदीय क्षेत्र में वर्तमान सदस्य थे। श्री एच बसंत कुमार रसायन उर्वरक संबंधी संसदीय स्थायी समिति के सदस्य, इससे पूर्व वह 2 कार्यकाल के लिए तमिलनाडु विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री एच बसंत कुमार का निधन तमिलनाडु के चेन्नई में 28 अगस्त 2020 को 70 वर्ष की आयु में हुआ। पंडित जसराज जी एक सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायक और भारत में लब्ध प्रतिष्ठित सांस्कृतिक दूतों में से एक थे। पंडित जसराज ने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को अपने स्वर के माध्यम से पूरे विश्व में पहुंचाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। पंडित जसराज को हिंदुस्तानीय शास्त्रीय संगीत में उनके योगदान के लिए वर्ष 1975 में पद्मश्री, वर्ष 1990 में पद्म भूषण, वर्ष 2000 में पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया। साथ ही भारत सरकार ने उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी विभूषित किया। पंडित जसराज का निधन 90 वर्ष की आयु में संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूजर्सी में 17 अगस्त 2020 को हुआ। श्री गुरदास सिंह बादल पंजाब के फजिलका संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 5वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री गुरदास सिंह बादल वर्ष 1967 से 1969 तक पंजाब विधान परिषद के सदस्य थे।
श्री गुरदास सिंह बादल का निधन। पंजाब के मोहली में 15 मई 2020 को 88 वर्ष की आयु में हुआ। डॉक्टर नेपाल सिंह सोली लोकसभा के सदस्य थे, जो उत्तर प्रदेश के रामपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। वह नियम समिति, मानव संसाधन विकास संबंधी समिति, अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के सदस्य रहे। इससे पूर्व डॉक्टर नेपाल सिंह उत्तर प्रदेश विधान परिषद में 5 कार्यकाल के लिए सदस्य थे और उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार में माध्यमिक शिक्षा और भाषा मंत्री के रूप में कार्य किया। वे उत्तर प्रदेश विधान परिषद में विपक्ष के नेता थे। डॉक्टर नेपाल सिंह का निधन उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में 22 मई 2020 को 79 वर्ष की आयु में हुआ। श्री अजीत जोगी भावी लोकसभा के सदस्य थे, जिन्होंने मध्य प्रदेश के रायगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। 14वीं लोकसभा में छत्तीसगढ़ के महासमुंद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री अजीत जोगी 2 कार्यकाल के लिए राज्यसभा के सदस्य रहे तथा राज्यसभा की उपसभापति तालिका के सदस्य थे। श्री जोगी विज्ञान प्रौद्योगिकी संबंधी समिति तथा पर्यावरण वन संबंधी समिति के सभापति थे तथा कई संसदीय समितियों के सदस्य भी रहे। श्री अजीत जोगी छत्तीसगढ़ विधानसभा के वर्तमान सदस्य थे तथा वे वर्ष 2000 से 2003 तक नवनिर्मित राज्य छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे। वह 4 कार्यकाल के लिए छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री अजीत जोगी जी का निधन छत्तीसगढ़ के रायपुर में 29 मई 2020 को 74 वर्ष की आयु में हुआ। श्री पी नामग्याल 7वीं, 8वीं और 11वीं लोकसभा के सदस्य थे, जिन्होंने लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के लद्दाख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वो 8वीं लोकसभा के दौरान भूतल परिवहन और संसदीय कार्य मंत्रालय में उपमंत्री तथा रसायन पेट्रोल रसायन मंत्रालय तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री थे। वह प्राकलन समिति, सरकारी आश्वासन संबंधी समिति के सदस्य थे। इससे पहले वो 3 कार्यकाल के लिए पूर्व जम्मू कश्मीर विधान परिषद के सदस्य थे तथा उन्होंने वर्ष 2007 में परिषद के कार्यवाहक सभापति के रूप में भी कार्य किया। श्री पी नामग्याल का निधन लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के लेह में 1 जून 2020 को 82 वर्ष की आयु में हुआ। श्री पारसनाथ यादव 12वीं और 14वीं लोकसभा के सदस्य थे, जो उत्तर प्रदेश के जौनपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। वह सरकारी उपकरणों संबंधी समिति, श्रम संबंधी समिति के सदस्य थे। श्री यादव उत्तर प्रदेश विधानसभा के वर्तमान सदस्य थे तथा इससे पूर्व 5 कार्यकाल के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे। वह उत्तर प्रदेश सरकार में लोक उद्यम, अतिरिक्त ऊर्जा सेवा मंत्री तथा शिक्षा मंत्री थे। श्री पारस नाथ यादव का निधन उत्तर प्रदेश के जौनपुर में 12 जून 2020 को 71 वर्ष की आयु में हुआ। श्री माधव राव पाटिल 12वीं लोकसभा के सदस्य थे, जो महाराष्ट्र के नासिक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। श्री माधवराव पाटिल वाणिज्य संबंधी समिति के सदस्य थे। श्री माधवराव पाटिल का निधन महाराष्ट्र के नासिक में 14 जून 2020 को 80 वर्ष की आयु में हुआ। श्री हरिभाव माधव जावले 14वीं और 15वीं लोकसभा के सदस्य थे, जो महाराष्ट्र के जलगांव संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। वह सामाजिक न्याय अधिकारिता संबंधी समिति, जल संसाधन समिति और रेल संबंधी समिति के सदस्य थे। इससे पूर्व श्री जावले वर्ष 1999 से 2004 तक महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य रहे। श्री हरिभाव माधव जावले का निधन महाराष्ट्र के मुंबई में 16 जून 2020 को 66 वर्ष की आयु में हुआ। श्रीमती सरोज दुबे उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1991 से 1996 तक 10वीं लोकसभा की सदस्य थी। वह वर्ष 1998 से 2004 तक राज्यसभा की सदस्य भी रही। श्रीमती दुबे
सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, विज्ञान प्रौद्योगिकी संबंधी समिति, पर्यावरण और वन संबंधी समिति, सरकारी उपकरणों संबंधी समिति की सदस्य भी थी। श्रीमती सरोज दुबे का निधन नई दिल्ली में 21 जून 2020 को 81 वर्ष की आयु में हुआ। श्री लालजी टंडन मध्य प्रदेश के राज्यपाल के पद पर आसीन थे तथा 15वीं लोकसभा के सदस्य भी थे। वो प्राकलन समिति, रेल संबंधी संसदीय स्थायी समिति के सदस्य थे। इससे पूर्व श्री लालजी टंडन वर्ष 2018 में बिहार के राज्यपाल रहे। श्री टंडन दो कार्यकाल के लिए उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य थे तथा 3 कार्यकाल के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य थे। श्री लालजी टंडन वर्ष 1997 से 2003 तक उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों के राजमंत्री थे। वो उत्तर प्रदेश विधानसभा परिषद में सभा के नेता, उत्तर प्रदेश विधानसभा विपक्षी नेता थे। श्री लालजी टंडन का निधन उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 21 जुलाई 2020 को 85 वर्ष की आयु में हुआ। श्रीमती कमल रानी 11वीं और 12वीं लोकसभा की सदस्य थी, जो उत्तर प्रदेश के घाटमपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती थी। वह उत्तर प्रदेश सरकार में तकनीकी शिक्षा मंत्री थी। श्रीमती कमल रानी श्रम और कल्याण, उद्योग, महिला सशक्तिकरण और राजभाषा संबंधी संसदीय स्थायी समिति की सदस्य रही। श्रीमती कमल रानी का निधन उत्तर प्रदेश में 2 अगस्त 2020 को 62 वर्ष की आयु में हुआ। श्री चेतन चौहान 10वीं और 12वीं लोकसभा के सदस्य थे, जो उत्तर प्रदेश के अमरोहा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। श्री चौहान वित्त संबंधी समिति के सदस्य रहे। श्री चेतन चौहान उत्तर प्रदेश विधानसभा के वर्तमान सदस्य थे और उत्तर प्रदेश सरकार में युवा और खेल मंत्री थे। एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी एवं अर्जुन पुरस्कार विजेता श्री चेतन चौहान का निधन उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 16 अगस्त 2020 को 73 वर्ष की आयु में हुआ। श्री सुरेंद्र प्रकाश गोयल 14वीं लोकसभा के सदस्य थे, जो उत्तर प्रदेश के हापुड़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। श्री सुरेंद्र प्रकाश गोयल शहरी विकास एवं एमपीलेड संबंधी समिति के सदस्य थे। वो उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री सुरेंद्र प्रकाश गोयल का निधन नई दिल्ली में 14 अगस्त 2020 को 74 वर्ष की आयु में हुआ। डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह बिहार के वैशाली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 11वीं से 15वीं लोकसभा के सदस्य थे। उन्होंने भारत सरकार में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री तथा केंद्रीय पशुपालन और डेयरी तथा खाद्य उपभोक्ता मामले राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया। उत्कृष्ट संसद सदस्य डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह ने खाद्य नागरिक आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण संबंधी संसदीय समिति के सभापति के रूप में तथा अनेक संसदीय समितियों के सदस्य रूप में अपनी सेवाएं दी। उन्होंने 15वीं लोकसभा में सभापति तालिका के सदस्य के रूप में भी कार्य किया। डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह 1970 से 1990 तक 4 कार्यकाल के लिए बिहार विधानसभा के तथा 1991 से 1995 तक बिहार विधान परिषद के सदस्य रहे। उन्होंने बिहार विधान परिषद के सभापति के रूप में तथा बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। वो बिहार सरकार में विद्युत और ऊर्जा, राहत और पुनर्वास तथा राजभाषा विभाग के मंत्री रहे। डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन 13 सितंबर 2020 को नई दिल्ली में 74 वर्ष की आयु में हुआ। ये सभा भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी, हमारे एक साथी श्री एच बसंत कुमार, विख्यात गायक पंडित जसराज और 13 पूर्व संसद सदस्यों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त करती है। शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करती है। ये सभा देश की एकता और अखंडता की रक्षा में वीरगति को प्राप्त हुए सशस्त्र सेना, अर्धसैनिक बलों के सभी वीर सैनिकों और पुलिस बल के बहादुर जवानों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करती है। अंत में मैं सभी कोरोना योद्धाओं, जिनमें डॉक्टर, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी, सफाईकर्मी, पुलिसकर्मी तथा बड़ी संख्या में स्वयंसेवक भी सम्मिलित है, उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।
जिन्होंने अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन करते हुए अपने आप को बलिदान कर दिया। इन सभी पुण्य आत्माओं को हमारा नमन है। अब ये सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में कुछ देर मौन खड़ी रहेगी। ओम शांति शांति शांति। सभा की कार्रवाई एक घंटे के लिए स्थगित की जाती है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा पार्लियामेंट को एनो सेवलु अंदिंचिनटुवंटि माजी राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की सभा निवाळुलु अर्पिंचिंदि। अलागे इटीवल मरणिंचिनटुवंटि लोकसभा सभ्युलकु प्रमुखुलकु कूडा सभा